न्यू शिमला स्थित श्री स्वामी नारायण अक्षरधाम मंदिर परिसर में गोवर्धन पूजा के अवसर पर भव्य अन्नकूट महोत्सव का आयोजन किया गया। इस अवसर पर उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम के विभिन्न प्रकार के 801 भारतीय व्यंजनों का भोग ठाकुर जी को अर्पित किया गया। मंदिर के कोठारी स्वामी एवं अन्य संतों व हरि भक्तों के सानिध्य में ठाकुर जी को भोग अर्पण किया गया। व्यंजनों में प्रमुखता से राजस्थानी, गुजराती, पंजाबी, बंगाली, दक्षिण भारतीय व्यंजनों के साथ दूध एवं दुग्ध पदार्थों, फलों, अनाज से बने पारंपरिक भारतीय व्यंजनों के अलावा पास्ता, केक, नूडल्स, सरीखे, पाश्चात्य खाद्य भी झांकी में आकर्षक तरीके से सजाए गए। इस महोत्सव में सैकड़ों की तादाद में आए हुए भक्तगणों ने अन्नकूट की झांकी का दर्शनों का लाभ लिया व भोजन प्रसाद ग्रहण किया। दर्शन व्यवस्था, आगंतुक भक्तों के वाहन पार्किंग व जूते चप्पल रखने से लेकर भोजन प्राप्त करने की व्यवस्था संतों, हरिभक्तों, कार्यकर्ताओं द्वारा सुव्यवस्थित एवं समर्पित भाव से की गई थी। स्वामीनारायण अक्षरधाम मंदिर जो है, यहाँ पर आज हमने गोवर्धन पूजा और अन्नकूट उत्सव का आयोजन किया है। ये अन्नकूट उत्सव और गोवर्धन पूजा की परंपरा भगवान श्री कृष्ण ने आज से 5000 साल पहले प्रारंभ की थी। गोकुल में प्रथम बार भगवान ने 56 भोग का आयोजन किया था और गोवर्धन जी की पूजा की थी। इस परंपरा के अनुसार हमारे BAPS संस्था के पूरे विश्व में 1200 जितने मंदिर हैं, इन सभी मंदिरों में प्रतिवर्ष दीपावली के पर्व के निमित्त ये अन्नकूट उत्सव मनाया जाता है। आज यहाँ शिमला में जो अन्नकूट उत्सव यहाँ पर मनाया जा रहा है, यहाँ पर करीबन 125 से 150 जितने घरों से करीबन 450-450 जितने व्यंजनों का भोग भगवान को अर्पण किया गया है। सभी ने भक्ति भाव से अपने घर पर ये व्यंजन तैयार किए हैं और यहाँ भगवान के समक्ष उसको सजाया गया है। आज सुबह यहाँ पर गोवर्धन जी की पूजा हुई और अन्नकूट की आरती भी यहाँ पर हुई भक्तों के साथ, और बहुत सुंदर दिव्य दर्शन भगवान की यहाँ पर हो रहे हैं। BAPS स्वामीनारायण जो संस्था है, आज पूरे विश्व में ये संस्था फैली हुई है। गांधीनगर में अक्षरधाम मंदिर है, दिल्ली में भी 100 एकड़ में अक्षरधाम मंदिर बना है, और अभी अमेरिका में भी 265 एकड़ में अक्षरधाम मंदिर बन रहा है, और अबू धाबी में भी वहाँ पर अद्भुत हिंदू मंदिर का निर्माण हमारी संस्था कर रही है। तो ये मंदिरों के द्वारा हम संस्कार की प्रवृत्ति करते हैं। हमारे यहाँ पर ये शिमला जो मंदिर है, यहाँ पर भी हर रविवार को सत्संग होता है और यहाँ बाल बालिका, युवा युवती, महिला सत्संग प्रवृत्ति यहाँ पर चलती है। हर रविवार को संध्या समय यहाँ पर सत्संग का आयोजन किया जाता है। तो ऐसे सत्संग में आकर लोगों का जीवन उन्नत बनता है। हमारी संस्था के द्वारा कोई भी कुदरती आपदा आती है, वहाँ पर भी राहत कार्य होता है। जैसे कि अभी कोरोना काल में भी हमने यहाँ शिमला में ही कई जगह पर ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स हमने डोनेट किए, फ्री दवाइयाँ बांटी और भोजन सामग्री भी सभी को हमने दी। इस प्रकार से पूरे विश्व में जहाँ जहाँ कुदरती आपदा आती है, वहाँ पर हमारी संस्था कार्य करती है। रशिया और यूक्रेन में जो युद्ध चल रहा है, तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, शिमला।